बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिलेबस आपको आज किस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिलेबस बताएं, तो व्यूअर्स सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है हमारी वेबसाइट पर propakjob.com, ठीक है। इसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। गूगल पर आएँ, इसको सर्च करें और यहाँ पर आपको propakjob देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नंबर वन पर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस आपको क्योंकि मैंने अपलोड किया हुआ, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लें, अदरवाइज यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से खुद देख लें। यहाँ पर आप मिल जाएगा आईबी सिलेबस, तो आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ यूं डिटेल आ जाएगी। तो व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं आईबी की, जो कि स्टार्ट हो रही हैं 2-3 दिन के बाद, और इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहते तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी सिलेबस आप आर्टिकल ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर वन पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो टेक का जो बी पी एस 11 है उसमें इंग्लिश 20% आएगी, जनरल नॉलेज 10% आएगा, करंट अफेयर 10% आएगा, मैथ प्लस आईक्यू 10% होगा, पाक स्टडी 10% होगा, इस्लामिक स्टडी 10% होगा, कंप्यूटर प्लस आईडी 10% होगा, टेक सब्जेक्ट 10% होगा, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश ये 10% होगा। टोटल 100 नंबर होंगे। इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जी डी बी पी एस 7 का सिलेबस है जी, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 10%, करंट अफेयर 10%, मैथ प्लस आई क्यू 10%, पाक स्टडी 10%, इस्लामिक स्टडी 10%, कंप्यूटर प्लस आई टी 10% या ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश या 10%। टोटल 100 नंबर। नीचे आएंगे ओ एम बी पी एस 7 का सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश 10%, जनरल नॉलेज 10%, करंट अफेयर 10%, मैथ प्लस आई क्यू 10%, पाक स्टडी 10%, इस्लामिक स्टडी 10%, कंप्यूटर प्लस आई टी 10%, एसए 10%, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश होगा ये 10%। टोटल 100 नंबर, 100 एम सी क्यूज होंगे। उसके बाद सिलेबस आ गया जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ओ एम का बी पी एस 11, ठीक है। इसका सिलेबस आ गया, इसमें इंग्लिश 50% होगा, एसए 10% होगा, ट्रांसलेशन 15% होगी, पैसेज 2 और 3 होंगे वो 15% हो गए, उसके अलावा अपोजिट होगी वो 5% होगी, प्रपोजिशन होगी वो 5% होगी, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10% होगा, कंप्यूटर 10% होगा, मैथ प्लस आई क्यू 10% होगा, पाक स्टडी 10%, इस्लामिक स्टडी 5%, जनरल साइंस 5%। टोटल 100 नंबर होंगे। उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो जी डी बी पी एस 11 का सिलेबस है जी, इंग्लिश 50% होगी, ठीक है, ऐसे होगा 10%, ट्रांसलेशन 15%, पैसेज होंगे उसके 15% के, अपोजिट होंगे 5%, प्रपोजिशन एंड ग्रामर 5%, जनरल नॉलेज होगी 10%, उसके अलावा कंप्यूटर 10%, मैथ प्लस 10%, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी 10% और जनरल साइंस वगैरह 10%, पाक स्टडी 5%, जनरल साइंस 5% और इस्लामिक स्टडी 5%। तो टोटल ये हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी सिलेबस यहाँ पर दिए गए, तो आप देख सकते हैं आकर इसी वेबसाइट पर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स लेने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में ये कि अगर आप ताज़ा तरीन जो अपडेट हासिल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।